हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों का वजन कम है, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों, जो लोग पतलापन से यानी कि कम वजन से, लो बॉडी वेट से पीड़ित हैं, वो लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदाकारक सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत गुजरात से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। दोस्तों, बात करते हैं पतले लोगों के बारे में। जिन लोगों का वजन कम होता है, उन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लुक्स के साथ। उनका जो लुक है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही पतले होते हैं तो उनकी स्मार्टनेस उससे कम दिखती है। अगर आगे हम उनसे उसके बारे में बात करें तो उनकी डाइजेस्टिव फायर यानी कि उनकी पाचन शक्ति जो है वो कमजोर होती है, उनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कम होती है। जो तंदुरुस्त लोग होते हैं उनके मुकाबले में उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। उनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो भी ठीक ठाक नहीं होता है और उनके मसल्स जो बिल्कुल पतले होते हैं, हाथ और पैर बिल्कुल पतले दिखते हैं। अगर हम पतले लोगों की बात करें तो पतले लोगों को काफी सारे डिसीज भी होते हैं। जैसे कि पतले लोगों में हम बात करें, उनके अंदर में पावर, स्ट्रेंथ और कॉम्प्लेक्शन की कमी होती है, उनके अंदर में ताकत कम होती है। वो लोग जो है वो उनको ज्यादातर देखा जाता है कि जो पतले लोग होते हैं उनको बीमार जल्दी हो जाते हैं, जैसे कि बुखार आ जाना, सर्दी खांसी हो जाना, छाती में दर्द हो जाना या ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी हो जाना, ये पतले लोगों में ज्यादा देखा जाता है। पतले लोगों की अगर हम बात करें तो उन लोगों को एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है, उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती होती है। वो लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं। तंदुरुस्त लोगों की कंपैरिजन में देखने जाए तो पतले लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा जल्दी लगते हैं। उनके अगर पतले लोगों को बात करें तो उनमें ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी पाई जाती है, उनको कब्ज ज्यादा रहती है। पतले लोगों में पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में छाले पड़ जाने की समस्या भी देखी जाती है। दोस्तों, तो हम देखते हैं कि पतले होने के क्या क्या कारण होते हैं। पतले होने का सबसे पहला कारण है भूख की कमी, यानी कि उनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो पाचक रस है, वो प्रॉपर मात्रा में पैदा नहीं होता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर मात्रा में पैदा ना होने की वजह से पतले लोगों में जो है वो भूख की कमी देखी जाती है। दूसरा कारण पतलापन का हाइपरथायरॉइडिज्म, मतलब थायरॉइड ग्रंथि का ओवर एक्टिव होना, हाइपर एक्टिव होना, उसकी वजह से उनकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है। फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से वो पतले रह जाते हैं। तीसरा, टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं, जिसमें से टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियाज नाम का ऑर्गन बिल्कुल काम नहीं करता और कीटोएसिडोसिस नाम की बॉडी में जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से जो पर्सन होता है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है उसका फैट जो है वो डिसॉल्व होता जाता है और बिल्कुल पतला होता जाता है। उसके अलावा अगर हम कारण देखने जाए तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी एक कारण है। और उसके अलावा अगर हम कारण देखने जाए तो कुछ लोगों के लीवर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, शरीर में पित्त की वृद्धि होती है और बहुत ज्यादा पित्त की वृद्धि होने की वजह से उन लोगों में पतलापन होता है। अब दोस्तों, आयुर्वेद में पतलापन के रोग को कार्श्य नाम के रोग से जाना जाता है। अब जो लोग पतले हैं उन लोगों को मैं कुछ टिप्स बताना चाहूंगा कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जो लोग पतले हैं उन लोगों को फैट और प्रोटीन से भरा हुआ खाना हर 2 घंटे पे थोड़ा 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 करके खाना जरूरी है दोस्तों। उसके अलावा जो लोग पतले हैं उन लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज उनको रेगुलर करना चाहिए, जिससे कि उनकी जठराग्नि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होगा। अच्छा, जो लोग पतले हैं उनको हमेशा याद रखना है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए, वरना उनका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि उनकी अग्नि मंद हो जाएगी। उसके अलावा जो लोग पतले हैं उन लोगों को रात को प्रॉपर नींद लेना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेने से जो है वो पतलापन की बीमारी दूर होगी और बिल्कुल लेट नाइट तक उनको नहीं जागना है। अब कुछ ऐसे फूड मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जो अगर आप पतले हैं और आप अच्छी बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपको खाने चाहिए। एक पाउडर मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आपको क्या करना है, 50 ग्राम सोयाबीन लेना है, 50 ग्राम काले चने लेने हैं, 50 ग्राम आपको मूंगफली लेनी है
और 50 ग्राम आपको मकाई लेनी है। सोयाबीन, हॉर्स ग्राम, ग्राउंड नट्स एंड कॉर्न, ये 50-50 ग्राम लेके इसको मिक्स करके इसका एक पाउडर बना दें और इस पाउडर में से एक एक चम्मच सुबह शाम आप सेवन करें तो आपका पतलापन का जो तकलीफ है वो धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। जो लोग पतले हैं उन लोगों को मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से एक राय देना चाहूंगा कि जो लोग पतले हैं वो अपने खुराक में राइस का सेवन यानी कि भात का सेवन ज्यादा करें और खिचड़ी का सेवन ज्यादा करें। राइस खाने से जो है वो आपका वजन जल्दी से जल्दी बढ़ेगा। अनार का सेवन ज्यादा करें, अनार जो है वो आपकी डाइजेशन को ठीक करेगा, तो अनार का सेवन जो है आप ज्यादा करें। उसके अलावा अपने खुराक में घी, मक्खन और मलाई को इंक्लूड करें। और एक आपको भूख बढ़ाने के लिए जबरदस्त नुस्खा बताता हूँ, 6 से 8 मुनक्का यानी काली द्राक्ष आपको लेनी है, उसको 1 कप पानी में बॉइल करके आधा कप हो जाए तब उसको निकाल के ठंडा करके खा लेना है। उसको रेगुलर सेवन आप दिन में एक बार करते रहेंगे तो आपकी भूख जो है वो खुल जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में। आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त औषधियां जो है वो बताई गई है कि जिसका सेवन करने से आपका वजन बहुत अच्छे से और तेजी से बढ़ सकता है, तो आइए देखते हैं। आयुर्वेद की एक बहुत ही बेहतरीन औषधि है जिसका नाम है अश्वगंधा पाउडर, अश्वगंधा चूर्ण। जो लोग पतलापन से पीड़ित हैं उन लोगों को अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच भैंस के दूध के साथ, 1 गिलास भैंस के दूध के साथ रात को लेना है। इसके अलावा श्वेत मुसली चूर्ण, अगर आप अश्वगंधा नहीं ले रहे हैं तो श्वेत मुसली चूर्ण 1 चम्मच रात को भैंस के दूध के साथ सेवन करिए। इन औषधियों में से कोई भी एक औषधि का सेवन अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका वजन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी तरीका मैंने आपको जो बताया है उसका आपको लगातार 6 महीने तक सेवन करना है। वजन जो है वो महीने का 1 से 1.5 किलो, मैक्सिमम 2 किलो इतना ही बढ़ सकता है, क्योंकि वजन बढ़ाना मतलब एक इमारत को बनाने जैसा है। इमारत को बनाने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे बनती है, तो आपको संयम से करना है। उसके अलावा आयुर्वेद की कुछ पंचकर्म चिकित्सा जो हमारे पास जो पेशेंट वजन बढ़ाने के लिए आते हैं उन लोगों को हम देते हैं, उसमें सबसे पहली जो आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा है उसको बस्ती चिकित्सा कहा जाता है। महानारायण तेल की हम बस्ती देते हैं जिसको अनुवासन बस्ती कहा जाता है, और ये बस्ती चिकित्सा भी वजन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चिकित्सा है। उसके अलावा एक केरला की एक बहुत ही फेमस ट्रीटमेंट है जिसको अन्नलेपन कहा जाता है, षष्टिकाशाली पिंड का अन्नलेपन। अन्न जो होता है उसको उबाल के, दूध में उबाल के उसका जो पूरी बॉडी पे लेप किया जाता है उसको अन्नलेपन कहा जाता है। अन्नलेपन से भी जो हमारे मसल्स हैं वो पुष्ट होते हैं और मास ग्रो होता है। उसके अलावा बेस्ट ट्रीटमेंट है आयुर्वेद की अभ्यंग। अभ्यंग मतलब के मेडिकेटेड ऑयल से बॉडी को मसाज करना। महामाश तेल नाम के ऑयल से हम पूरी बॉडी पे मसाज प्रोवाइड करते हैं 15 दिन से लेके 1 महीने तक, और उससे भी वजन बढ़ने और मसल्स ग्रो होने का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन देखा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि वजन बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं और वजन किस तरह से, कौन सी औषधियां ऐसी है कि जिनका सेवन करके आप वजन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों हमें जरूर कमेंट करके बताइए आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। अब दोस्तों आगे दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अलविदा।